ड्रामा सीरियल बेलगाम की एपिसोड नंबर 48 में क्या कुछ होने लगा है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नया तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 48 में आप लोग देखेंगे कि जब रिमशा से पूछा जाएगा कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान होता है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कोई इंसान नहीं था, जिस पर जो है वो रिमशा खामोश हो जाती है। उधर आप देखेंगे दूसरी तरफ पता चल जाता है अफनान की बीवी अलीज़े को कि इसका चक्कर था रिमशा के साथ। और जब वो अफनान से जाकर पूछती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जिस पर अफनान कहता है कि तुम मुझसे कैसे लहजे में बात कर रही हो, जिस पर कहती है आगे से अलीज़े कि तुम जैसे लड़कों के साथ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसी ही बातें करने चाहिए, जिस पर कहता है अफनान कि क्यों क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हारा जो है वो रिमशा से शादी से पहले तल्लक था, तुम्हारा उसके साथ चक्कर था, जिसके बाद वो अफनान जो है वो कह देता है कि हाँ मेरी थोड़ी सी बातचीत थी, जिस पर उसको यकीन हो जाता है कि रिमशा और अफनान के दरमियान जो है वो मेरी शादी से पहले बहुत कुछ चल रहा था, और जो है वो रिमशा इसीलिए इस घर में आई थी और अफनान ही लेकर आया था, उसे ये गलतफहमी हो जाती है। जब उसे ये गलतफहमी होती है कि अफनान ही लेकर आया था, तो वो जल्दी से जाती है रिमशा के पास और रिमशा को थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियां जो है वो ऐसे ही लोगों के घर उजाड़ती हैं, और उधर जो है वो थप्पड़ दे मारती हैं। और जब थप्पड़ मारती है तो इतने में जो है वो कासिम साहब और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और रिमशा को कहती है कि ये इसका इसके साथ चक्कर था, जिस पर कासिम साहब कहते हैं रिमशा को कि तुम अंदर जाओ घर बैठो मैं बात करता हूँ, जिस पर जो है वो कहती है अलीज़े आप अभी इसी वक्त इसको घर से बाहर निकालें। उधर दूसरी जानब आप देखेंगे कि जब जाती है रिमशा मिलने के लिए अपनी चची और हिना से हानिया से, तो वहाँ पर देख लेता है उसका कज़न शानी और वो कहता है कि क्या रिमशा यहाँ इस घर में आई थी, जिस पर उसकी चची और हानिया जो है वो साफ इनकार कर देती है कि रिमशा तो हमारे घर आई ही नहीं, जिस और कहती हैं कि हमारे घर तो कासिम साहब की भतीजी आई थी। तो इस पर कहते हैं कि कासिम साहब की भतीजी हमारे घर का उसका क्या काम था, वो कैसे आ गई, जिस पर जो है वो टाल मटोल कर लेती है, लेकिन शानी को थोड़ा सा शक हो जाता है। उधर आप देखेंगे कि देखिएगा कि किस तरह से अब अलीज़े और अफनान के दरमियान जो है वो अलहदगी का जो है वो शोशा छोड़ चुके है और दोनों के दरमियान अब अलहदगी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि रिमशा के मामले में अफनान और अलीज़े की अलहदगी हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।